उस्ताद खबर जलालवी जब उन्होंने तस्करा किया, करबला के शहीदों का तस्करा किया और उसमें ज़ैनब के बच्चों का तस्करा किया। आज आलो मोहम्मद की शहादत की मजलिसें होती हैं ना, तो तस्करा किया तो कहा कि मैंने बिठा कर बच्चों से कहा कि वरन पड़े कि नजर आए खून के धारे, बलन ताब फलक हो लहू के फव्वारे, तमाम कूफे में हलचल हो खौफ के मारे, दिखाई देने लगे फौज शाम को तारे, किसी तरह की कमी खतलेआम में न रहे, कोई चराग जलाने को शाम में न रहे। यह है करबला का असर। उस्ताद समर जलाल जी, किसी तरह की कमी कत्लेआम में न रहे, कोई चराग जलाने को शाम में न रहे। ये बच्चे शिविर की जानिब जो नागहा आए तो उसने बढ़ के कहा तुम यहां कहां आए, जहां ना खौफ से रुस्तम था पहलवा आए। कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहां, जो पूछा नीम चोको बोले इनसे काम भी है, हमारे खेल का एक नाम खतले आम भी है। ये नीम के गजब किरदगार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले, जो दोनों मिल गए तो गुलफकार बन के चले। अली की तरह से जब आन बढ़ते जाते थे, कबाड़ खलाए खैबर के थर थराते थे। और यहां से मैं अनीस को पढ़ूं कि जब बच्चे लड़ते लड़ते घिर गए, जख्मी होते चले, पहलू जख्मी, सीना जख्मी, पुश्त जख्मी, सर जख्मी, लाशें जमीन पर आईं, अब्बास और हुसैन लाशों को उठाने के लिए गए और लाके लाशें रखी। अनीस कहते थे मुंह छातियों पे रख के वो नाशाद पुकारी, आराम में होती है गशी प्यास से तारी, होता है बयां शौकत और हिम्मत का तुम्हारी, तस्लीम करो क़िबला कौनैन को वारी, आखा से मुसीबत में जुदा हो नहीं जाते, सबके गई यूं जंग के दिल से नहीं जाते। अब्बा से अलमदार सना करते हैं उठो, हम शक्ल नबी वजह वगा करते हैं उठो, सब लोग न उठने का गिला करते हैं उठो, समझी कि मैं बास है ये बेदारी है शब का, प्यारो ये तरीका नहीं अरबाब अदब का। और उसके बाद मीर अनीस ने एक बैत कह दी, ये बैत आपको सुना के मैं मजलिस को तमाम करूं। ज़ैनब ने आंसू नहीं बनाए बता बहाए, बच्चों को कलेजे से नहीं लगाया, मगर सिर्फ इतना कहा, निकलू जो तजस्सुस में तो बेजा नहीं वारी, मां हूं मेरा पत्थर का कलेजा नहीं वारी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। परवरदिगार ज़िक्र और इस इबादत को कबूल फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला वास्ता करबला के भूखों का हमारा रिस्क अगर आसमानों में है तो उसे ज़मीनों पे नादिल कर दे, जो ज़मीनों के अंदर है तो उसे बाहर निकाल दे, जो दूर है तो उसे करीब कर दे, जो करीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुँचा दे। मातम हुसैन हुसैन।